हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, अगर आप अपने फ़ोन में एक ही काम को बार बार रिपीट करना चाहते हो या फिर किसी को एक ही मैसेज बार बार भेजना चाहते हो तो आप इस ट्रिक को यूज़ कर सकते हो। दोस्तों, इसकी मदद से आपका जो काम है वो बार बार रिपीट होता रहेगा और आपको अपना फ़ोन जो है वो हाथ भी नहीं लगाना पड़ेगा और टच भी नहीं करना पड़ेगा और आपका काम जो है वो कंटिन्यूअस चलता रहेगा। दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बता दूं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी तुरंत कर लीजिए, क्योंकि हम हमारे चैनल पर ऐसे ही टिप्स और ट्रिक्स के वीडियोज़ लेके आते रहते हैं। और साथ ही इस बेल वाले आइकन को प्रेस करके ऑल पे सेट कर लीजिए ताकि हमारी सभी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करने की जरूरत पड़ेगी और वो एप्लीकेशन ये है, ऑटो क्लिकर ऑटोमेटिक टैप। ये एप्लीकेशन आप सिंपली प्ले स्टोर पर जाकर सर्च कर सकते हैं या फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इसका डाउनलोड लिंक मिल जाएगा, तो आप इसको वहां से डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, आप इसको ओपन करेंगे तो आपको यहाँ से एक बार इस एप्लीकेशन को एक्सेसिबिलिटी का परमिशन देना पड़ेगा ताकि आपका जो फ़ोन है वो आपका जो टच कंट्रोल को एक्सेस कर सके। तो उसके लिए आपको यहाँ पे एक्सेसिबिलिटी में आके ऑटो क्लिकर को सर्च करना होगा और ऑटो क्लिकर को यहाँ पे आके सिंपली टर्न ऑन कर देना होगा। इसको ऑन करेंगे तो आपको यहाँ पे एक पॉपअप आएगा, आपको यहाँ पे ओके कर दीजिए। इसके बाद ये आपका एक्सेसिबिलिटी ऑन हो जाएगा और आपका ये जो एप्लीकेशन है वो यूज़ करने के लिए रेडी है। दोस्तों, आपको यहाँ पे दो तरह के ऑप्शन मिल जाएंगे। पहला वाला है सिंगल टारगेट मोड। अगर आपका जो काम है वो एक बार क्लिक करने में हो जाता है तो आपको ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा, और अगर आपका जो काम है वो एक क्लिक में नहीं होगा, उसमें मल्टीपल क्लिक लगेंगे और उसमें स्वाइप अप स्वाइप डाउन लगेगा, तो आप ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिए। इसको यूज़ करने के लिए सिंपली आपको यहाँ पे इनेबल करना होगा। इनेबल कर देंगे तो आपको यहाँ पे लेफ्ट साइड में एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, आप इसको यहाँ से एडजस्ट भी कर सकते हैं अपने हिसाब से जहाँ भी आपको करना होगा। आपका जो यहाँ पे इस एप्लीकेशन में सेटअप था वो कंप्लीट हो गया, और उसके बाद आपको उस एप्लीकेशन में जाना है जहाँ पे आपको ऑटो क्लिकर का यूज़ करना है या आपको सेम काम बार बार करना है। तो जैसे मान लीजिए कि मुझे इस वाले नंबर पे एक ही मैसेज को बार बार इसको भेजना है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, सिंपली मुझे इस वाले व्हाट्सएप चैट को ओपन करना होगा। यहाँ पे सिंपली जो प्लस का आइकन दिख रहा है आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा, उससे आपको यहाँ पे एक वन लिखा हुआ दिख जाएगा एक सर्कल के अंदर, तो इसको ड्रैग करके आपको वहाँ पे लेके जाना है जहाँ पे आपको सबसे पहला क्लिक चाहिए। तो जैसे कि मुझे मान लीजिए एच पे क्लिक करना है तो मैं इसको ड्रैग करके एच पे रख दूंगा, और उसके बाद मान लीजिए अगर मुझे जो सेकंड क्लिक है वो आई पे करना है तो एक बार फिर से मैं प्लस पे क्लिक करूंगा और इसको आई पे ले जाके प्लेस कर दूंगा। अब आपको क्या करना होगा, आपको यहाँ पे इसका बीच में जो क्लिक का टाइम है उसको सेट करना होगा। उसको सेट करने के लिए आपको सिंपली इस टू पे क्लिक करना है, और टू पे क्लिक करने के बाद आपको इसका टाइम इंटरवल सेट कर देना है। जैसे कि मान लीजिए मुझे एक सेकंड करना है इन दोनों क्लिक के बीच में टाइम, तो मैं यहाँ पे सिंपली मिली सेकंड को चेंज करके सेकंड में कर दूंगा और यहाँ पे एक सेकंड देके ओके कर दूंगा। अब क्या होगा कि पहले ये वाला क्लिक होगा, उसके बाद ये एक सेकंड के बाद क्लिक होगा, और उसके बाद सेंड बटन अगर मैं लगाता हूँ तो उसको भी मैं एक सेकंड का इंटरवल देके यहाँ पे सेंड पे लगा देता हूँ। तो अब क्या होगा कि मेरा ये क्लिक होगा, एक सेकंड के बाद ये क्लिक होगा, और उसके बाद एक सेकंड के बाद ये क्लिक होगा। तो चलिए अब इसको टेस्ट करके देखते हैं कि ये काम कर रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे स्टार्ट करने के लिए आपको सिंपली इस प्ले वाले बटन पे क्लिक करना होगा। आप प्ले वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो आपका जो काम है वो स्टार्ट हो जाएगा और ये ऑटोमेटिक आपका क्लिक होता रहेगा जब तक आप इसको बंद नहीं करेंगे, और ये काम आपका पूरा रिपीट चलता रहेगा। अगर आप इसको बंद करना चाहते हैं तो बंद करने के लिए सिंपली इस पॉज पे क्लिक कर दीजिए और आपका जो ये है ऑटो क्लिकर स्टॉप हो जाएगा और अब ऑटोमेटिक मैसेज नहीं जाएगा। अगर आप इस एप्लीकेशन को एग्जिट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको यहाँ पे इस एप्लीकेशन में फिर से जाना होगा, और एप्लीकेशन में जाने के बाद सिंपली इसको डिसेबल करना होगा। तो दोस्तों, होप करता हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस मजेदार ट्रिक के बारे में शेयर कीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।